हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वरजातिया। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ पार्ट 15 में। पार्ट 15 किसका? हेलोइल्केन हेलोरीन्स। और हम लोग डील कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइल्केन्स में। आई होप आपने लास्ट पार्ट को एंजॉय किया होगा, जहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल सारी रिएक्शंस का अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, whether it is related to properties, whether it is related to the methods of preparation, उसका एक तरीके से 10 या मामूली 11 मिनट में मैंने आपका रिवीजन करवाया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 14 पहले देख लीजिए, उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा कि अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं और क्या क्या कवर करना है, आइए ये देख लेते हैं। तो पहला पोर्शन जो हम लोगों ने कवर किया है, या पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने कवर करी है, वो काफी डिटेल में करी है, क्योंकि थी भी बच्चों डिटेल में, एंड दैट वॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है ना, करिए कि नहीं करिए, कवर करिए पक्का ना? हाँ, कोई गोलमाल वाली बातें मत करना भैया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं सर, इससे ज्यादा तो अब होगा भी नहीं। तो क्या क्या पढ़ा इसमें हम लोगों ने? SN2 पढ़ा और SN1 पढ़ा। मेजर पोर्शंस देखे, मैकेनिज्म्स देखी, पार्ट्स देखे खूब अलग अलग तरीके से, कि किस तरह से सॉल्वेंट, किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ आरएक्स। ये बच्चों आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद है अपने को ये पार्ट कवर करना, और फिर एक तीसरा छोटा सा पार्ट होगा रिएक्शन ऑफ आरएक्स विद मेटल्स। ठीक है ना, रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन, ये दो मेन होती है, वो पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 15, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसका नाम बीटा एलिमिनेशन क्यों है, इसका नाम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों है। तो बच्चों एक मामूली सी रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 Br है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, 1-bromoethane। 1-bromoethane की रिएक्शन ये याद रखिएगा जो मैं यहां पे लेने वाला हूं, ठीक है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज द एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH नहीं है, ये क्या है? ये एल्कोहलिक KOH। What is this? Alcoholic KOH। और कभी कभार यहां पर इस तरह से ये भी लिखा हुआ आ सकता है बेटा, C2H5O- या C2H5O-K+। तो कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए, कभी भी एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ आ जाए, या सोडामाइड NaNH2 इन लिक्विड एमोनिया। तो ये सारे एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेंगे और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अकर हो जाएगी। तो होता क्या है एल्कोहलिक KOH या C2H5O- लेने से, होता क्या है ये समझते हैं। यहां से अल्फा कार्बन, अच्छा देखो Br के बगल में जो भी कार्बन है वो अल्फा है, और अल्फा कार्बन के जो बगल में कार्बन है वो बीटा कार्बन है। अगर बीटा के बगल में कोई होता तो वो गामा होता, फिर उसके बगल में कोई होता तो डेल्टा होता। हालांकि हमको उनसे मतलब नहीं है, हमें अल्फा बीटा से बहुत ज्यादा मतलब रहता है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी भी, यहाँ पर आरएक्स में हम बात कर रहे हैं, किसी भी हैलाइड ग्रुप से जुड़ा होता है। अब यहां पर बच्चों होगा क्या, एल्कोहलिक KOH Br, अल्फा से Br निकालेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन निकालेगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा एल्कीन, इस केस में इथीन। और जो बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको KBr+H2O।
इस रिएक्शन को एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3, CH2, CH2, Br, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH नहीं, एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो बच्चों क्या होगा, यहां से HBr निकल जाएगा, यानी कि अल्फा कार्बन से Br निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, दोनों एक साथ निकल जाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को एल्कीन, इस केस में मिल रहा है प्रोपीन प्लस KBr प्लस H2। सो व्हेन एवर वी आर ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोहलिक KOH, व्हाट वी आर गेटिंग इज द एल्कीन। In the first example, that was the ethene. In the second example, it is propene. So that what I have written over here, ki when haloalkane is treated with concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide, एक मिनट, तो व्हेन ये यार पेन में कुछ लोचा हो जाता है, व्हेन अ हेलोएल्केन इज हीटेड विद द कंसेंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो एलिमिनेशन में ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक साथ हाइड्रोजन ग्रुप और एक साथ हैलोजन ग्रुप निकल रहा है। डी मतलब निकलना, किसका किसका, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ग्रुप का। डी हाइड्रोजन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज एलिमिनेटेड एंड इट कम्स फ्रॉम द बीटा कार्बन, हाइड्रोजन को बीटा कार्बन से निकाला गया है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और हेलोजन को अल्फा कार्बन से निकाला गया। ठीक है, बड़ी मामूली सी बातें वही जो हमने आपको बोली वही सब यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, कोई दम वाली बात नहीं, क्लियर हो गई। तो ये नोट्स बना लेना, इसके बड़े काम के आएंगे, बहुत काम आएंगे। ये दो एग्जांपल्स देख लेना। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया है 2-bromo-butane, 2-bromo-butane का अगर आपको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने को आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अल्फा बीटा पहचानोगे। सबसे पहले आप क्या पहचानोगे बच्चों, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और ये भी रहा बीटा। अब देखो, अभी तक ये ऐसा केस हम लोग पढ़ रहे थे जब हमने इथीन और प्रोपीन बनाया कि इसमें सिर्फ एक ही बीटा आ रहा था, लेकिन इस केस में दो दो बीटा आ रहे हैं, तो क्या कहानी में कुछ ट्विस्ट होगा? बिल्कुल होगा, कहानी में ट्विस्ट होगा, ऐसा होगा कि बेटा जितने बीटा कार्बन आपको मिलेंगे, अगर उस बीटा कार्बन में हाइड्रोजन एटम है तो आपको उतने प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। फिर कौन माइनर होगा, कौन मेजर होगा, फिर हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, पहले हम लोग दो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अगर हम यहां से निकालते हैं H, तो यह प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम मान लो यहां से निकालते हैं, ये इस वाले बीटा और अल्फा से निकालते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यानी कि बच्चों यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिला इसका नाम है ब्यूट टू इन, यहां पर जो मिला उसका नाम है ब्यूट वन इन।
यहाँ पर क्या दोनों सामान्य मिलेंगे, क्या एक मेजर होगा कि एक माइनर होगा, क्या होगा, जरा इस पर प्रकाश डालिए। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बच्चों ब्यूटुइन फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल, ये मेजर होगा। ये मेजर इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ब्यूट वन इन आपका माइनर होगा क्योंकि ब्यूट टू इन के कंपैरिजन ये कम स्टेबल है। और ऐसा रूल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन माइनर है, उसको बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के हिसाब से हम लोगों ने मेजर और माइनर निकालना चाहा। सेटजेफ रूल को जेटजेफ रूल भी कहते हैं, नाम दोनों सेम है ना, स्पेलिंग्स में फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, कई बुक्स में सेटजेफ है, कई बुक में जेटजेफ है। अच्छा अभी इसने ऐसा क्या कहा और आपने ये कैसे पहचाना कि ये मेजर है और वो माइनर है, हमको भी बताइए सर, आपने तो लिख दिया मेजर माइनर। तो बेटा ऐसा है कि सेटजेफ ने जो ये कंसेप्ट चुराया है, ये चुराया है हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे चुराया है, है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फंडा था जो हमको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझाता था। क्या समझाता था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कैसे बताता था, हाइपर कॉन्जुगेशन ने साफ साफ एक बात कह दी थी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। यानी कि इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन की डेफिनेशन बदल गई, अब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एक आपका एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल में जो कार्बन होगा दैट विल बी दी अल्फा कार्बन, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ब्यूटुइन के केस में आपको टोटल 2 अल्फा कार्बन मिल रहे हैं और 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं, और 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम इस केस में। आइए इस केस में देखते हैं, दूसरे केस में ब्यूट वन इन, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन एटम, इसके बगल में ये रहा अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है इस समय हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को प्रूव करना है, देन व्हाट यू हैव टू सी इज द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सिंस इन ब्यूटुइन देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एंड इन ब्यूटुइन देर आर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, दस वी कैन से दैट ब्यूटुइन इज मोर स्टेबल, दस इट इज फॉर्मिंग द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से सेटजेफ ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को प्रूव किया। तो इसने अपने रूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसने हाइपर कंजुगेशन वर्ड यूज नहीं किया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगी, यानी कि जिस एल्कीन के अगल बगल में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ब्यूटुइन में 2 एल्काइल ग्रुप है बगल में, ब्यूटवनिन में सिर्फ एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है। कहने का तात्पर्य इधर है, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही है। जो हाइपर कंजुगेशन कहना चाह रहा था, जिस बेसिस पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हाइपर कंजुगेशन ने एक्सप्लेन करी, उसी हाइपर कंजुगेशन का फंडा उठाकर सेटजेफ ने अपनी भाषा में इस रूल को बना दिया कि वाइल डूइंग द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन या वाइल ट्रीटिंग द एल्कोहलिक क्यूएच विद द एल्काइल हैलाइड बियरिंग मोर देन 1 बीटा कार्बन एटम्स, if we want to find that which product formed is stable or in major proportion, then we have to use this Sedzef rule which says that the more alkylated alkene is the more stable, yeah, is the major. इसको मैं आसान भाषा में बच्चों को इस तरह से भी बताता हूं, समझना जरा, ये दूसरी परिभाषा एक तरीके से कि मेजर माइनर बच्चों कभी भी पहचानना हो तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को मार्क कर लिया। यहां पे टोटल कितने हैं हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में, 2, और यहां पे टोटल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में कितने हाइड्रोजन है, 2 इसके पास है, 1 किसके पास है, 3। भाई ये सी एच था, ये भी सी एच था, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू था,
तो जिसके पास डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम कम होते हैं वो ज्यादा मेजर होता है, समझ गए। तो तीन तरीके से मैंने तुम्हें मेजर माइनर निकालना सिखा दिया। पहला तरीका है हाइपर कंजुगेशन वाला, डबल बॉन्ड मार्क करो, उसके बगल में ये गिन लो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके पास ज्यादा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे वो ज्यादा मेजर होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेट्जेफ की परिभाषा के हिसाब से वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है जो ज्यादा एल्काइलेटेड होता है, यानी कि उसके आसपास कितने एल्काइल ग्रुप हैं ये गिन लो। अच्छा, अक्सर बच्चे इसमें डगमगा जाते हैं, तो पहला या दूसरे में से पहला वाला ज्यादा प्रिफर करना, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स गिनने की कोशिश करना। तीसरा मेथड भी सही है, आसान है, कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम देख लो, उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, डबली बॉन्डेड कम हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब सेट्जर रूल कभी कभार एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग किस तरह से लिखेंगे वो मैंने यहां पे लिखा है, आइए एक बार देख लेते हैं। इफ द हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन एनी कार्बन एटम विद द चेन, द एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इन टू और मोर डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल। इन ऑल सच केसेस द मोर, ये है मेन सेट्जेफ रूल, इन ऑल सच केसेस द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि मोर एल्काइलेटेड, या हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, देखो तीसरी वाली बात आ गई, इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब मैं आपको ये बताता हूं, इतना समझ में आ गया ना, ठीक। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर एल्कोहलिक क्यूएच के अंदर ऐसा क्या जादू है जो एलिमिनेशन रिएक्शन लाता है। सर आपने अभी बताया ना कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए करता है, तो कैसे है स्ट्रॉन्ग बेस? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि व्हाई, व्हाट हैपेंस या व्हाई इट हैपेंस दैट व्हेन CH3CH2Br रिएक्ट्स विद एक्वस KOH द प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दैट विल बी द इथेनॉल, that means the CH3CH2OH plus KBr. On the other hand, if you react CH3CH2Br with the alcoholic KOH, the product will be the beta eliminated product and it is nothing but ethene. So why this happened? That in this case, the substitution, nucleophilic substitution occurs, and in this case elimination reaction occurs. What is the feature of this alcoholic QH? So bachcho main batana chahunga yahan pe aqueous QH ki nucleophilicity power ko maar diya jata hai jabki alcoholic QH mein usko badha diya jata hai. Theek hai, ek minute zara is slide mein aate hain hum log. Do minute mein aapko main samjha dunga कि आखिर एक्वस और एल्कोहलिक क्यूएच में क्या फर्क है, ठीक है। तो चलिए, एक्वस क्यूएच का क्या मतलब हुआ? एक्वस क्यूएच का मतलब हुआ कि आपने क्यूएच को पुचुक करते हुए पानी के अंदर डाल दिया। एक्व सॉल्यूशन का तो यही मतलब होता है ना यार, कि एक बीकर है, बीकर में पानी है, ऊपर से आपने क्यूएच को डाल दिया। पानी का, पानी पानी रे, पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है ज्यादा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। एप्सिलॉन से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये K प्लस और OH माइनस में इसको डिसोसिएट कर देता है। K प्लस और OH माइनस पानी के साथ हाइड्रेटेड हो जाते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आसान भाषा में वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से बच्चों घेर लेता है। सॉल्वेटेड, हाइड्रेटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
जिस टर्म्स में भी आप आसानी से समझ सकते हैं उसको आप समझ लीजिए। ये पीला पेन तो दिख ही नहीं रहा सर। तो K प्लस और OH माइनस ये बेचारे जुदा हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब OH माइनस के पास ड्यूटी थी कि उसको CH3CH2Br के साथ रिएक्शन करनी थी। तुमने एक्वस QH लिया बेटा, OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल का क्या रहता है, अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पास होती है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। अब तुमने उसके नेगेटिव चार्ज को कैसे मार दिया कि तुमने उसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल रख दिए और वो उसके साथ चिपक गए। अब वो बहुत भारी हो गया, अब वो भारी हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, सॉल्वेटेड हो गया, तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन करेगा। CH3CH2Br में से अल्फा कार्बन से सिर्फ Br को हटाने के सक्षम रहेगा। Br को हटाएगा और बेचारा इतना मोटा होता है कि जाकर थक के वहीं पे बैठ जाएगा और सो जाएगा। यानी कि वो CH3CH2OH बना लेगा। Br को हटाया, OH जाकर बैठ गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर इसकी मर चुकी थी, बहुत बेकार था। क्यों? क्योंकि H2O ने इसको हाइड्रेट कर दिया था, चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन अगर हम एल्कोहलिक QH की बात करें, एल्कोहल, देखो एल्कोहल जहां आ जाता है वहां पे तो दुनिया रंगीन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो सोचो तुमने C2H5OH के साथ QH को मिला दिया तो वो क्या देगा, वो तुम्हें देगा C2H5O-K+। ये जो बच्चों C2H5O- मिल रहा है ना, C2H5O- जो मिल रहा है ना, ये इथॉक्साइड आयन होता है, या सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। तो कोई भी अल्कोहल लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, RO-, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। बच्चों C2H5O- पानी के साथ घिरा नहीं है, O पे नेगेटिव चार्ज है, हाई न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ये इतना तकड़ा बेस हो जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई करेगा। तो ये एल्कोहलिक QH, लिखते तो हम लोग एल्कोहलिक QH है, लेकिन उसके अंदर की कहानी ये है कि उसके अंदर ये है इथॉक्साइड आयन या RO- एल्कोक्साइड आयन। अंदर की कहानी ये है, हम लोग लिखते हैं एल्कोहलिक QH, लेकिन हम असलियत में RX की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोक्साइड आयन के साथ करा रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, कि वो जब अटैक मारेगा तो अल्फा से तो Br हटेगा ही हटेगा, वो तो एक्वस क्यूएच भी कर रहा है। इसमें इतनी दम वाली बात क्या है, इसमें दम वाली बात यह है कि बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन लेकर भाग जाता है, इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, इतनी तगड़ी इसके अंदर पावर होती है कि ना दूसरे का घर बसने देता है ना अपना बसाता है। एक्वस क्यूएच क्या था, दूसरे का घर बिगाड़ा और खुद जाकर बैठ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये अल्फा से तो Br को फेंक देगा लेकिन बीटा से भी हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा और खुद भी नहीं रुकेगा, वो भी निकल जाएगा। ये रंगबाजी है बेटा इसकी, इसीलिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। इसीलिए अल्फा से तो Br निकलता ही निकलता है, बीटा से भी हाइड्रोजन उसी समय निकल जाता है साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई एल्कीन हैज बीन फॉर्म्ड। तो ये एक प्यारा सा NCERT में क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। और इसको लिखेंगे कैसे, ये रहा, देख पा रहे हैं आप सब लोग, इन एक्वस सॉल्यूशन KOH इज ऑलमोस्ट, इन एक्वस सॉल्यूशन KOH इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड टू गिव OH माइनस आयन्स विच बीइंग A strong nucleophile, समझे, brings about a substitution reaction on alkyne halides to form alcohols. Further,
इन द एक्वस सॉल्यूशन OH- आयंस आर हाईली हाइड्रेटेड। ये है मुद्दा कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस आर हाईली हाइड्रेटेड एंड दिस सॉल्वेशन reduces the basic character of the OH- ions, which therefore fails to abstract the hydrogen from the beta carbon of the alkyl chloride or alkyl halide to form an alkene. तो 10.20 बेटा NCERT क्वेश्चन है, आप लोग बुक से देख भी सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH है ना, आपको एल्कोहल देता है, लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH आपको एल्गीन देता है। तो अब आपने एक पैराग्राफ में बड़े खूबसूरती से ये बता दिया कि हाइड्रेशन होने से OH- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बेकार है, जिसकी वजह से ये वीक बेस है या उसकी बेसिक पावर बेकार है, इसलिए वो बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके अच्छे से बताएंगे कि आखिर एल्कोहलिक KOH में ऐसा क्या है जो वो एलिमिनेशन कर सकता है। तो बेटा पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे, इन कंट्रास्ट एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH कंटेन्स द एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन ये कीवर्ड है, विच बीइंग अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH- प्रिफरेंशियली एलिमिनेट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड फॉर्म्स एन एल्काइल क्लोराइड टू फॉर्म एन एल्कीन। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी कि यार अपने पास एक जनरल रिएक्शन होती है, इथाइल ब्रोमाइड वो इथीन देती है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है, जब आप RX की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ। फिर मैंने आपको एक सेट्जेफ रूल वाला कॉन्सेप्ट बताया कि मान लो एक बीटा नहीं दो बीटा आ रहे हैं, तीन बीटा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे मेजर पहचानेंगे, कैसे माइनर पहचानेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने सेट्जेफ रूल पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि सेट्जेफ रूल की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने ये देखा कि आखिर एल्कोहलिक KOH में ऐसा क्या जादू है कि जो वो एलिमिनेशन रिएक्शन या एल्कीन फॉर्मेशन करता है। और अब हम लोग NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, किस पर बेस्ड, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं। 1-bromo-1-methylcyclohexane ये NCERT का 10.10 क्वेश्चन जो है, ये एज इट इज मैंने लिख दिया है। उसका एक मतलब एक हेडिंग थी कि व्हाट हैपेंस ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो वो लिखना लाजमी नहीं समझा। तो 1-bromo-1-methylcyclohexane 2-chloro-2-methylbutene ये तीनों पार्ट आप वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, ठीक। अब आइए हम बताते हैं कि क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन पहले बनाना सीखो है ना, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। 1 पे ब्रोमो है और 1 ही पे मिथाइल है, और बेटा इसका आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ आपको रिएक्शन करनी है। तो मेरे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अल्फा बीटा पहचानना है। तो BR जिस कार्बन से जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, उसके बगल में जितना भी है वो है बीटा, अल्फा के बगल में ये भी है, अल्फा के बगल में ये भी बीटा है, और अल्फा के बगल में ये भी तो बीटा है ना सर जी। अच्छा बच्चों एक बात गौर करना, वो गौर ये करना कि ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन सेम है कि नहीं सेम, इधर से भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, इधर से भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोई भी एक बना लेते हैं। तो हम पहले जो रिंग में बीटा बना है उसमें से हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देते हैं। एक बार आराम से देख लीजिएगा आप चीज़ों को, ताकि किसी के दिमाग में कोई भी शक ना रहे, क्योंकि पास तो है नहीं है, तो सोचते हैं कि चलो बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें बताएं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो बेटा यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से BR निकलेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। नाम अगर करना चाहें इसका नामकरण, तो क्या करेंगे,
वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। एक प्रोडक्ट और बनेगा बच्चों इस वाले बीटा की वजह से, ठीक। तो जब हम लोग ऊपर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर बनेगा। अब मैं आपको बिना देखे बिना काउंट किए ये बता सकता हूं कि ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर है। रिंग के बाहर जब भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो माइनर होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। वरना अपने को तो वो कॉन्सेप्ट पता ही है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को मार्क कर लिया। चलो बच्चों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन में है, इस वाले कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब हम लोग इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बात करें तो देखो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है भाई, टेट्रावेलेंसी को पूरी करते हुए अगर हम देखें तो सिर्फ इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वन हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या कहा था, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वो मेजर होगा, इसलिए ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये रहा आपका माइनर प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आई आपको, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब से हम बोलने लग गए, पहले नहीं बोलते थे यार, अब लगता है कि यार चलो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत कल्याण अपने चैनल का भी, है ना। CH3, हाँ। तो नेक्स्ट है 2-chloro-2-methyl-butane। तो सबसे पहले आप लोग सही सही इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो CH3 CH2, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल है और दूसरे कार्बन के साथ ही क्लोरो है, ये लीजिए भाई साहब, बन गया आपका 2-chloro-2-methyl-butane। रिएक्शन करवा दीजिए एल्कोहलिक QH के साथ, पहले अल्फा बीटा पहचान लो भाई, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो सेम ही है, करके देख लेना प्रोडक्ट एक ही दिखेगा, तो हम ये वाला बीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाएंगे इस बीटा को लेकर और दूसरा प्रोडक्ट हम इस बीटा से लेकर बनाएंगे। तो चलिए प्रोडक्ट्स की तरफ प्रस्थान करें, मिलेगा CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, फिर ये CH3 और इस कार्बन पे एक और CH3। एक प्रोडक्ट और बनेगा CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब मुद्दे की बात आती है मेजर माइनर पहचान में, ठीक है। आप लोगों के भी यही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके अगर आप काम करते जा रहे हैं तो इंटरेस्ट और जगेगा, वीडियो को पॉज करके आप करते रहिए काम। चलो मेजर माइनर पहचानो अगर प्रोडक्ट नहीं पहचाना तो। अब मेजर माइनर कैसे देखेंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को मार्क करो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है टोटल, भाई इसी के पास एक एच है, इसके पास तो एच है ही नहीं, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड को मार्क करो, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो कौन हुआ मेजर, ये हुआ मेजर, ये हो गया माइनर। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स, तो मेजर माइनर बताने हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए गिव ओनली दी मेजर प्रोडक्ट तो फिर बात ही अलग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन एटम भी इस केस में ज्यादा है, बताऊं कैसे, ये देखो भाई ये 3 अल्फा 6 अल्फा 9 अल्फा 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा और 2, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी दी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दस मोर स्टेबल विल बी दी एल्कीन एंड स्टेबल एल्कीन विल फॉर्म दी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दी सेट्जेफ रूल इन दी केस ऑफ दी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आए हाय क्या अंग्रेजी बोली, ओके चल नेक्स्ट।
थ्री ब्रोमो 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके भाई बनाओ यार, इतना मेहनत करवाओगे, खुद भी करो थोड़ा सा यार, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी पॉज करो वीडियो, वीडियो को पॉज करके ही काम बनेगा, हम करवाते रहेंगे ऐसे फील नहीं आएगी। फील चाहिए तो बेटा खुद ही काम करना पड़ेगा ना, हम ही करते रहेंगे और तुम्हें फील आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो 2,2,3 ट्राइमिथाइल, तो यहां से भाई दो हाइड्रोजन को निकालो पहले, ये यहां 2,2,3 पे ब्रोमो। चलिए अल्फा बीटा को मार्क करिए, जिस कार्बन हैलाइड के साथ जुड़े हैं उन्हें अल्फा कार्बन, उसके बगल में ये रहे बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये क्या इसको बीटा लेंगे, बीटा ले लेते, लेकिन इस बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बीटा कार्बन लेने का कोई फायदा नहीं है। ये बीटा कार्बन तो है लेकिन इस बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, और बीटा से पास जब तक हाइड्रोजन ना हो तब तक एलिमिनेशन कैसे होगा। तो पहला प्रोडक्ट हम इस बीटा को लेकर बनाएंगे, बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C नीचे CH3 फिर ये C CH3 CH3 CH3। क्या कहते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी आए मैं हूं ना। तो 1,2,3,4,5 अब नेक्स्ट बीटा से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C CH3 का होल क्यूब, शॉर्ट में लिख दी, मेजर कौन है माइनर कौन है। डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन देख लो किसके पास कम है, इनके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इनके पास दो हाइड्रोजन है, ये भाई साहब हो गए मेजर, नीचे वाला हो गया माइनर। बोलो बात समझ में आई आपको, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन्स पे। अब जैसे 1-bromopropane से 2-bromopropane की तरफ जाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। 1-bromopropane बोले तो CH3 CH2 CH2 Br, 2-bromopropane का मतलब CH3 CH CH3। हाँ जी, तो अब आपको इसको क्या करना है, 1-bromopropane से 2-bromopropane तक आपको पहुंचना है। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, देखो यहां पर पहले कार्बन पे ब्रोमीन है लेकिन यहां पे पहले कार्बन पे ब्रोमीन नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ब्रोमीन को हटाओ। तो एल्कोहलिक QH का यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया एल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक QH का यूज करने पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, अल्फा से Br और बीटा से H जाएगा, तो आपको प्रोपीन मिलेगा। अब इसके बाद यहां से यहां जाने में बस HBr का एडिशन करना है, लेकिन HBr का एडिशन याद रखना दो तरीके से हो सकता है एनसिमेट्रिकल एल्कीन में, एक मार्कोनिकॉफ रूल से एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो गरीब है, गरीब कौन है आपका, ये है गरीब, किस टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, ये है अमीर। गरीब को गरीब करना है, ये देखो गरीब को गरीब करना है, यानी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा, HBr ऐड कर देंगे और आपको 2-bromopropane मिल जाएगा। तो बेटा दो स्टेप्स में ये कन्वर्जन खत्म हो गया, और बोर्ड के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है ये, 1-bromopropane से 2-bromopropane या 2-bromopropane से 1-bromopropane। ये देखो इसका जस्ट उल्टा अगर करना हो, ये पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, चलिए
जस्ट उल्टा वीडियो को पॉज करके आप खुद से कोशिश करो ना, अलसाया ना करो, हर समय कोशिश करो फटाफट। चलो फिर से अगर आप देखो तो यहां पे टू पे ब्रोमीन है, लेकिन यहां पे तो टू पे कुछ भी नहीं है, तो पहले ब्रोमीन को हटाना है। ब्रोमीन को हटाने के लिए एल्कोहलिक क्यूएच का यूज किया और हमें फिर से यहां पर बेटा प्रोपीन मिल गया। अब चाहे ये अल्फा ले लें, ये भी बीटा ले सकते हैं, ये भी बीटा ले सकते हैं, कोई भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ प्रोपीन ही मिलेगा। अब यहां से अगर यहां जाना है तो HBr डालेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्योंकि एंटी मार्गोनिकोफ रूल लगेगा, तभी यहां पर ये जो गरीब कार्बन है वो अमीर होगा और जो अमीर कार्बन है वो गरीब होगा, क्योंकि यही चीज हो रही है और देखी जा रही है यहां पे। नेक्स्ट कन्वर्जन आता है ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन। सारे बच्चों एनसीईआरटी के कन्वर्जन हैं, तो काफी मदद मिलेगी अगर आप यहीं इसके कॉन्सेप्ट्स को सीख कर जाते हैं। हमारा मकसद है इन वीडियोस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट के साथ उस पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी करा दें। तो ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन जानने के लिए सबसे पहली बात बेटा ये है कि जो चीज आपको दी गई है क्या वो चीज एज इट इज वहां अवेलेबल है, नहीं है तो पहले तो इसको हटाओ, ये वन इन वाला चक्कर हटा दो। तो कैसे हटा सकते हैं, हम ऐसा करते हैं यहां पर हम HBr डालते हैं। HBr डालने से क्या होगा, गरीब गरीब अमीर अमीर, मार्कोनी कॉफ एडिशन के हिसाब से। तो ये जो CH है इसको ब्रोमीन मिल गया और यहां पर CH3, यहां से यहां आने में हमने एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया। एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करने से क्या हो गया, अल्फा पे Br है, बीटा पे कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमें ब्यूटीन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बीटा ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये वाला बीटा लेने पर ब्यूटीन मिल रहा है जो कि ज्यादा मेजर है, ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू डी सेटजेफ रूल, इसलिए ये वाला बीटा इग्नोर मार दिया। तो कन्वर्जन देखो कितनी आसानी हुई, पहले मार्कोनिक ऑफ HBr लगाया, एल्कोहलिक KOH डाला, हमें सीधा सीधा ब्यूटीन मिल गया। तो देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से एनसीईआरटी में एल्कोहलिक क्यूएच का यूज करके कन्वर्जन और क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथेन CH3 से ब्रोमो इथीन जाना है। तो सबसे पहले यहां पे आपको कोई आरएक्स फॉर्म में बनाने के लिए कोई हैलोजन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ब्रोमिनेशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मिल जाएगा CH3CH2Br। इसके बाद हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डालने पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको इथीन मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसमें ब्रोमिनेशन कर दिया तो बेटा डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ एक एक Br लटक जाते हैं। अब आपने एक बार फिर से एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर दिया, सिर्फ वन टाइम। तो जैसे ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, यहां से ब्रोमीन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, तो हुआ क्या, CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और माफ करिएगा यहां पर ये एक हाइड्रोजन होगा, ठीक। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Br, This is one bromoethene. तो यहाँ पे दो बार एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल हुआ है, एक बार ब्रोमिनेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ HNew, दैट इज द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एंड एक बार Br2CCl4 के प्रेजेंस में डाला गया है जिसमें हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट करते हैं। CH2 में Br2 डाला, डबल बॉन्ड टूटा, एक एक Br लटक गया। एक बार एल्कोहलिक KOH डाला, अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट लगाया, आपको डिजायर प्रोडक्ट वन ब्रोमोइथीन मिल गया। अगर आप ये सोच रहे सर ये हमें कैसे समझ में आएगा कि कब कहाँ कैसे क्या लगाना है, तो उसके लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक की जितनी वीडियोस मैंने आपको पढ़ा दी हैं वो आपके दिमाग में जिसकी उसकी जो रिएक्शंस है वो याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 से 3 बार जब तक आप नहीं लिखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपके दिमाग में वो रिएक्शंस रिटेन नहीं होंगी, है ना, टिप्स में होनी चाहिए रिएक्शंस, तब जाकर आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं।
मुश्किल है, लेकिन कन्वर्जेंस भी अगर दो दो तीन तीन बार करोगे तो हो जाएगा। तो ये रटना नहीं होता है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये आप तो रटने वाला मेथड बता रहे हैं, रट नहीं रहे हो बेटा। तुम जितना मर्जी है इसको रट लो। सबको पता है कि एनसीईआरटी से आता है सीबीएसई का पेपर, तो सब क्यों नहीं ले आते हैं 100 में 100। सब एनसीईआरटी रटना चालू करते फ्रॉम द डे वन। लेकिन बेटा समझ के याद रखना इज नॉट रटना, उसको रखता है कि आप दिमाग में उसको रिटेन कर पा रहे हैं समझ के। सिर्फ रट्टाफिकेशन से तो आप दो दिन के बाद तीसरे दिन भूल ही जाओगे। नेक्स्ट, 2-क्लोरोप्रोपेन। से 1-प्रोपेनॉल। तो दूसरे कार्बन पे क्लोरीन नहीं है तो भैया सबसे पहला तो एल्कोहलिक KOH लगा दिया। सर जैसे आपने अभी बताया था कि दूसरे कार्बन पे अगर Cl है और उधर हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एल्कोहलिक KOH लगा देंगे, तो अल्फा बीटा के हिसाब से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको प्रोपीन मिल जाएगा। इसके बाद हमको पहले कार्बन पे OH चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं पहले हम HBr डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ऐसा करने से हमारा एक तो दो मकसद क्लियर होंगे। पहला, एक तो हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा, गरीब अमीर हो जाएगा और अमीर गरीब हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस कार्बन पे हमारा OH था उसी कार्बन पे अब BR आ चुका है, यानी कि RX मिल चुका है। अब तुम्हें सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है यूजिंग अ सुटेबल रिएजेंट विच इज नोन एज एक्वस KOH। तो वो क्या करेगा, KBR को हटा देगा और उसके बदले OH लग जाएगा, है ना एकदम। ये भी फाड़ू ये सब NCERT में मिलेंगी बेटा जब आप लोग एक्सरसाइज लगाएंगे या इंटेक्स लगाएंगे। 3rd-butyl bromide। तो अक्सर बच्चे डर जाते हैं, अबे यार हमारे पेपर हमारे सेट में तो 3rd-butyl bromide आ गया था। लेकिन अगर आपने मेरे पढ़ाया हुआ पार्ट 1 देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है isobutyl bromide। चलिए बच्चों कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, सबसे पहले एल्कोहलिक KOH डालिए। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, अल्फा से BR, बीटा से हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। अब देखो आपको सिर्फ HBr डालना है, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ताकि जो अमीर है सॉरी जो गरीब है वो अमीर हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन मिल जाए। जो अमीर है CH2 उसको BR मिल जाए और डबल बॉन्ड तो हट ही जाएगा। सो यूजिंग दिस 6 टाइप ऑफ कन्वर्जन्स व्हाट आई हैव टॉट यू इज द यूज ऑफ द मार्कोनी एंटी मार्कोनी एंड द एल्कोहलिक KOH। बेसिकली ये 6 कन्वर्जन्स को मैंने NCERT से पहले ढूंढा है और फिर मैंने आपको एक साथ एक सेट में डालकर एक वीडियो में डालकर आपको प्रस्तुत कर दिए हैं, क्योंकि अब आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फ्रॉम ऑल द एंगल्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो बच्चों आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर, बाय सागर बजातिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।